हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शान से फहराया तिरंगा, उपजिला कलेक्टर अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर ली सलामी। 74वें स्वतंत्रता दिवस का उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टेडियम में उपजिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में धूमधाम एवं उल्लास पूर्वक मनाया गया। लेकिन इस बार कोरोना संकट के बीच कार्यक्रमों की रूपरेखा में कुछ बदलाव किया गया। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार बच्चों एवं बुजुर्गों को उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था। इस राष्ट्र पर्व पर उप जिला कलेक्टर अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। अग्रवाल ने इस ऐतिहासिक अवसर पर देश की आज़ादी के खातिर अपने प्राणों का बलिदान करने वाले उन अनगिनत शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए बलिदान व तिरंगे की आभा के बेजोड़ संगम पर गौरवान्वित महसूस करते हुए देश के भावी कर्णधार नवयुवकों से विज्ञान व तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर नवीन भारत के निर्माण हेतु नवीन कौशल अपनाने को कहा। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील भी की। वहीं डोडियावास स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में भी कोरोना महामारी के चलते सादा समारोह आयोजित कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। समारोह में रानीवाड़ा पुलिस उपाधीक्षक रतनलाल मेघवाल, तहसीलदार शंकरलाल मीना, थाना अधिकारी मिठूलाल मेघवाल, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बाबूलाल पुरोहित, डिस्कॉम सहायक अभियंता भरत देवड़ा, विकास अधिकारी राजकुमार बड़जात्या, सरपंच जेठी देवी राणा एवं उप सरपंच सुश्री अलका बोरा, निवर्तमान प्रधान श्रीमती रमीला मेघवाल सहित अधिकारी कर्मचारी एवं नागरिक बंधु उपस्थित थे। न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकुश भदौड़िया में ध्वजारोहण कर पुलिस परेड की सलामी ली। वहीं स्वतंत्रता दिवस उपखंड मुख्यालय के विभिन्न दफ्तरों में ध्वजारोहण व सलामी के साथ समारोह पूर्वक मनाया गया। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।